उधमसिंह नगर में लॉकडाउन में भारी छूट मिलने के बाद अब रोड दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ने लगा है, जिसका जीता जागता उदाहरण बाजपुर में देखने को मिला है, जहां पर सीसीटीवी में एक ऐसा नजारा कैद हुआ है जिसे देखकर आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। एक कार तीव्र गति से फिल्मी अंदाज में दीवार तोड़कर पार हो गई। कार में सवार तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दूसरी घटना में एक बाइक पर सवार दो युवकों को डंपर ने रौंद दिया, जहां पर एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और एक घायल हो गया। आपको बता दें कि ये दोनों युवक बाइक पर सवार होकर मजदूरी करने खेत को जा रहे थे। कोसी कांटे के पास सामने से आ रहे तेज रफ्तार से उपखनिज से भरे ट्रक ने सामने से टक्कर मार दी, जहां पर दीपक की मौके पर ही मौत हो गई और राजेश गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना जनपद की सुल्तानपुर पट्टी चौकी की है, तो वहीं दूसरी घटना में एक कार में तीन लोग सवार होकर देर रात हल्द्वानी की ओर से बाजपुर आ रहे थे। तेज गति से कार असंतुलित होकर बिगड़ गई और हल्द्वानी रोड स्थित ब्लॉक कार्यालय के सामने दीवार फांद कर घुस गई, जिसमें कार में बैठे तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। आप सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से दीवार तोड़कर कार अंदर घुस गई है। मैं लेट नाइट का एक मामला है, जिसमें कार सवार तेज गति से कार चलाते हुए एक दीवार से टकरा गया है। बेसिकली ओवर स्पीड के कारण से उसका एक्सीडेंट हुआ है और दोनों, उसमें जो लड़की थी और ये दोनों ही ठीक है, और इनका उपचार करने के बाद इनको भेज दिया गया है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया। देखिए सीसीटीवी में जो घटना कैद हुई है उसमें भी साफ दिखाई दे रहा है कि वो कार ओवर स्पीड में चल रही है, और चूँकि इसमें हल्की फुल्की चोटें आई हैं इनको दोनों को, तो उनको हॉस्पिटल में डिस्चार्ज कर दिया है। और इसमें जो नुकसान हुआ है जो दीवार का, अगर इस संबंध में कोई भी एप्लीकेशन आती है तो उसमें इसमें आगे की कार्रवाई करेंगे। देखिए ये सुल्तानपुर पट्टी के पास जो गांव है वहां का ये मामला है, इसमें एक डंपर से टकरा करके मोटरसाइकिल सवार जो है उसकी डेथ हुई है। अभी जैसा कि आपको मालूम है हमारी पूरी फोर्स इस कोरोना के चक्कर में बॉर्डर्स पे लगी हुई है, ताकि इंटर स्टेट बॉर्डर पे अनावश्यक और बिना परमिशन के कोई आए नहीं। तो अभी हमारा जो फोर्स है खनन क्षेत्र में नहीं है, तो इस कारण से ये भी प्रथम दृष्टया इसमें गलती डंपर वाले की है, इसमें इसको डंपर को सीज कर दिया गया है। इसमें तहरीर आने के बाद इसमें मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई हम लोग करेंगे।